23 जून को सुबह करीब 6 बजे पारशिवनी तहसील में बोरडा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से चेन्नई की ओर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जा रहे ट्रक ने टोल नाका के सामने डिवाइडर से टक्कर मार दी और लाखों का माल जल गया। हालांकि इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई है। 23 जून 2022 को सुबह करीब 6 बजे ट्रक नंबर RJ11GB8317 दिल्ली से चेन्नई की ओर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के पार्सल से लदा ट्रक बोरडा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल नाका के सामने डिवाइडर से टकराया। इस वजह से डीजल टैंक में विस्फोट हो गया। ट्रक में आग लगने से लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने से काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि इस घटना से कोई जीवित हानि नहीं हुई है। ट्रक चालक मन्नान खान, उम्र 32 साल, रहने वाले सिगार, तालुका पुन्नाना, जिला हरियाणा। कॉन्ट्रैक्टर कासिम भाई, उम्र 40 साल, रहने वाले सिगार, तालुका पुन्नाना, जिला हरियाणा के हैं। ट्रक टाटा कंपनी का नया ट्रक है और ड्राइवर दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। इस घटना की सूचना टोल नाका के कर्मचारियों ने कनान पुलिस को दी। पुलिस गणेशपाल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, फिर कामठी नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की मांग की। फायर ब्रिगेड और उसके कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया, पर पूरा माल जलकर राख हो गया था। हालांकि कनान पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। कनान थाने के पुलिस हवलदार गणेशपाल और आरक्षक कश्यप घटना की जाँच कर रहे हैं।